मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की जतारा में 10वीं की नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी की। दो दिन पहले रविवार को जन्मदिन था। परिजनों का आरोप है कि कुछ लड़कों ने रात को डीजे के साथ केक पर नाम लिखकर गांव में डीजे बजाया था। इसी को लेकर लड़की ने कर ली खुदकुशी। पुलिस जांच में जुटी जतारा थाना अंतर्गत ग्राम थार की घटना। सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार 10वीं की छात्रा गांव से 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती थी, जहां गांव के ही करीब 5 लड़के उसको रोज परेशान करते थे। रविवार को लड़की का जन्मदिन था। जब गांव के सारे लोग सो गए, तब लड़कों ने डीजे लेकर के लड़की के घर के बाहर बजाया और बर्थडे मनाया। इसके बाद केक का वीडियो बना करके टिकटॉक और सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे परेशान होकर लड़की ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बर्थडे के दिन ही पिता ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने उसको अनसुना कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीती रात्रि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? रोहित ठाकुर। भैया क्या हो गया? रात में आए थे वो लोग डीजे लेकर 11 बजे, इन लोगों ने यहाँ से उनको भगाया, फिर वो जाके उस मोहल्ले में वो केक वगैरह काटने लगी। फिर इसके बाद में हम निकले, डीजे की आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे, सो रहे थे हम, तो आवाज़ सुनाई दी तो हम निकले, तो वो ड्रामा कर रहे थे वो लोग, तो फिर हमने उन लोगों को भगाया। वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे जन्मदिन मनाने आए, बोल रहे थे शानू का, तो फिर हमने उन लोगों को भगाया। यहाँ पे ड्रामा नहीं कर सकते आप। कल 3 बजे की लगभग। क्या नाम आपका? राघवन सिंह। आप बच्चे को क्या हो गया? क्या क्या हो गया? ये कुछ नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये स्कूल जाते बढ़ाना पढ़ने के लिए, वहाँ के कुछ लड़के उन्हें परेशान किया, एक दो बार परेशान किया तो उन्हें मना कही गई। परसों के दिन जन्मदिन था, हाँ जन्मदिन मना के हम सब लोग सो गए, और रात में कोई 10 के बाद बराना के 4-5 लड़के डीजे लेके आए, उन्हें यहाँ हंगामा किया, पूरे गांव में डीजे घुमाया और तो हम लोगों ने भगाया यहाँ से। पर जी हुआ, वहाँ उस मोहल्ले में जाके केक काटा उन्होंने परसों के दिन, उन्हें भगा के बस दूसरे दिन उसने फांसी लगा ली बच्ची ने। उस पर बेइज्जती बर्दाश्त की, बहुत बेइज्जती की गाँव में लोगों ने। लड़के बराना के हैं ये, फांसी लगाने की तो है करीब 3 बजे के आसपास। हाँ 3 बजे के आसपास कल दिन में। क्या नाम आपका? यादविंद सिंह। कौन हो आप? लड़की के चाचा। क्या हो गया? ये बच्ची जाती बराना स्कूल, ये कुछ लड़का पहले से भी परेशान कर रहे थे, लेकिन उनको डांट भी दिया गया। उस एक दिन कल परसों उसका जन्मदिन था, ये लोग डीजे लेके आए 11 बजे रात में, हम लोग सो गए थे, नाम भी ले रहे थे केक में काटे, हम लोगों ने भगा भी दिया उनको। ये घटना हुई थी बलाना के 6-7 लड़के थे, ये 11 बजे रात में लेके आए परसों इतवार के दिन। वो घटना था, उन्हें सुबह कल 2 बजे फांसी लगा ली, 3 बजे। जी जी जी, कल सूचना मिली थी शाम के, एक हर गांव में एक लड़की ने फांसी लगा लिया है, मर्ग कायम हुआ है, मर्ग के जांच के लिए आए हैं, पंचनामा कार्रवाई पीएम करवा रहे हैं, इसके बाद में जो भी हो कर क्या है उसको प्राप्त करके जांच के बाद उपरांत जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। वो उसी बात यही सब चीजों की तो जांच होती है, मर्ग की उसके साथ में जांच होगी, और उसमें जो भी संलिप्त तो पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब धारा भी मैं प्रेजेंट तो था नहीं, अब कौन क्या किया है, किसका क्या उल्लंघन किया है, अब ये उसको देखते हैं, जांच का विषय है, मर्ग में जांच में सब आएगी बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।